हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों की प्लाजो वाली डांडी कैसे बनाए। तो देखिए, हमने ये कपड़ा ले लिया है प्लाजो के लिए। तो देखिए, हमारा इस तरह से बिल्कुल प्लेन कपड़ा है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए। और इसमें से हम आज बहुत ही सुंदर प्लाजो वाली डांडी बनाएंगे। देखिए, हमने ये इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए, इस तरह से हमारी ये पट्टियां कट हुई थी, तो इस तरह से हमने ये पट्टियां ज्वाइंट कर ली है। हमारी स्ट्रेटनिंग पट्टी थी, कटिंग है इस तरह से, तो हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिए। कई जगह हमारे इस तरह से ज्वाइंट आ रही है, तो देख सकते हैं इस तरह से। आपके पास इक्वल कपड़ा हो तो आप पूरा इक्वल ले लीजिए, और आपके पास पट्टियां हैं तो आप इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए पूरा अच्छे से, पूरे इक्वल साइज में। और ये हमने डबल फोल्ड किया है, इसे हम एक फोल्ड और करेंगे फोर फोल्डिंग में। देखिए, इस तरह से हमने ये फोर फोल्डिंग कर लिया है। तो देखिए, एक साइड हमारे इस तरह से ओपन वाला होगा और एक साइड हमारे इस तरह से बंद आएगा, तो आप देख सकते हैं। ये हम आसन की साइड लेंगे, पहले हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। देखिए, इसकी जो लंबाई ले रहे हम, वो देखिए तैयार है हमारी 36.5 इंच आई। और देखिए, इसमें हमने इस तरह से 39.5 इंच ऊपर नीचे के लिए ले लिया है, और बाकी जो हमारा 1.5 इंच है वो हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा। तो हमारे देखिए 40.5 इंच चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हमने पूरा ले लिया है इस तरह से, और हमने इस नीचे से स्ट्रेट कट कर लिया, और सी हमारा ऊपर भी स्ट्रेट कट है। और देखिए, हम ये 34 साइज का बना रहे हैं, जो कमर लिए वो हमने इस तरह से 21 इंच लिए। और देखिए, यहाँ से 2 इंच हम इस तरह से निशान लगा लेंगे आसन के लिए। देखिए, इसकी जो लंबाई ले रहे हैं वो हम 16 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर नेफा भी आएगा। और यहाँ पर हम इस तरह से इसमें गुलाई दे देंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए, इसमें हमने जो इतना एक्स्ट्रा लिया है वो हमने घेर के लिए लिया है, जिससे कि हमारा ऊपर से काफी अच्छा लुक आएगा, इसलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ऊपर। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है, तो हमारे देखिए ये इस तरह से दोनों साइड के कट हो गए। तो हम देखिए, पहले इसका आसन ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद हम इसका नेफा बनाएंगे, इसमें हम लास्ट ही डालेंगे और नीचे फिनिशिंग देंगे हम। और फिर देखिए, हमने ये ऊपर के लिए पट्टी लिए, मैं आपको इसका भी साइज बता देती हूँ। देखिये, हमने ये थोड़ा सा इस तरह से प्रिंट में लिया है, इस तरह से हमारे देखिए छोटे छोटे प्रिंट हो रखे दोनों साइड इस तरह से। तो देखिए, इसकी जो हमने लंबाई ली है वो हमारी 10.5 इंच है, और देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 10 इंच है। दोनों हमने दो पट्टियां कट की हैं इस तरह से, ये हमारी फ्रंट की रहेगी, हमारी बैक की रहेगी, और उसके बाद हमारी ये ऊपर इस तरह से पट्टी आएगी, तो हमने ये पट्टी भी कट की है। इसकी जो लंबाई ली हमने वो हमारी 13 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई ली वो हमने 4 इंच है। इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड हम इस तरह से लगाएंगे शोल्डर पे। देखिए, हम प्लाजो का आसन ज्वाइंट करेंगे इस तरह से पूरा। देखिए, हमने दोनों आसन ज्वाइंट कर लिए, अब हम ऊपर नेफा लगाएंगे इसमें। तो देखिए, इसे हम इसमें फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमने नेफा लगा दिया, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ओपन रखा है जिससे कि हम लास्ट ही डाल सके यहाँ पे, और नीचे फिनिशिंग दे देंगे।
देखिए हमें नीचे फिनिशिंग दे दी, अब साइड में हम पूरा फिटिंग दे देंगे। देखिए मैं फिटिंग दे दिए, अब हम लास्ट शेड डालेंगे। देखिए हमें लास्ट शेड डाल दी इस तरह से, हमने सिलाई भी कर दी इसके ऊपर। अब हम इसको ऊपर का तैयार करेंगे। देखिए हम इस तरह से रखेंगे और इसके हम यहाँ पे और स्ट्रेट सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों पट्टियां तैयार कर ली हैं, देख सकते हैं इस तरह से। और हम ऊपर वाली पट्टी तैयार करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह सिलाई कर देंगे, फिर पलट के फिर सिलाई कर देंगे दोनों साइड। इस तरह से हमने दोनों पट्टी तैयार कर ली है, अब इसमें हम अटैच करेंगे। तो देखिए जो पट्टी ली है हमें वो इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रेट, और फिर इस तरह से दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। देखिए हमें पट्टी लगा दी है और यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे यहाँ पे भी। देखिए इस तरह से हम अटैच कर दिए, अब हम प्लाजो में लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने नीचे प्लाजो रखा है, और देखिए एक साइड को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई कर देंगे। सेम इस तरह हम पीछे रखेंगे और वहां पे भी सिलाई कर देंगे हम। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई कर दी है, तो आप देख सकते हैं तो हमारी इस तरह से प्लाजो टांगनी पूरी तैयार हो गई है।
देखिए हमारी ये प्लाजो वाली डांगरी पूरी तैयार हो चुकी है। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ इस तरह से पट्टी आएगी दोनों साइड, बैक साइड और फ्रंट में इस तरह से। और देखिए हमारा फ्रंट और बैक साइड का सेम लुक रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इस तरह से चौड़ी सी पट्टी, देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका भी। और देखिए हमारे यहाँ पे इलास्टिक भी आ चुकी है इस तरह से। और देखिए उसके बाद हमारा देखिए घेर कितना प्यारा घेर है इसमें। तो आप देख सकते हैं देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका घेर का। इस तरह से ये सुंदर सी डांगरी बना सकते हैं प्लाजो वाली। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो